के विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता नारता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा ओ शांति सारे देश में, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। बीड़ी सिगरेट के धुएं में नष्ट होती आज की युवावस्था, समस्त मर्यादाओं को सीख पर टांगने के लिए तैयार, गंधर्व विवाह आदि के लिए उद्यत, खाना पीना देश देशांतरों में घूमना, इसी को जीवन का लक्ष्य लेकर निकलने वाले लक्ष्य भ्रष्ट युवा पीढ़ी को कैसे संस्कारित करें। बात बात में आत्महत्या के लिए उतारू, तनिक भी धैर्य का न होना, यह आज की पीढ़ी की आम समस्या है। फिर उसमें बड़ों का अनादर अवज्ञा होती हो तो उसमें आश्चर्य क्या है। विषय है वर्तमान पीढ़ी को हम किस प्रकार संस्कारित कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे घर के है वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास करें, घर पर अध्ययन आदि की आदत डाले, मंदिर आदि में जाने की पद्धति परंपरा को प्रारंभ करें, जो भी स्वाध्याय दैनंदिन रूप से वहाँ पर चलता हो उसमें अपने घर के समस्त जीवों को लेके जाने की आदत डाले, जिनके बस की नहीं हो उनको जिस दिन छुट्टी हो फुर्सत हो उस दिन तो अवश्य लेके जाइए। पर्वों में समागत विद्वानों के लाभ में अवश्य उनको लेके जाइए, उससे उनको विशेष लाभ होगा, धर्म में रुझान होने का अवसर होगा। हम ऐसी जगह रहे जहाँ पर जैनी माहौल हो, सोसाइटीज़ हो, देखने में भी उनको ऐसे लोग दिखे निरंतर जो निरंतर धर्म प्रवृत्ति में उद्यत है, अथवा उनको बड़ा अटपटा लगेगा नए माहौल को देखकर। ये जो भोग की हवा चल रही है, सर्वत्र व्याप रही है, उसी को देख देख कर इनको ये लगने लग गया है कि कहाँ तो जमाना जा रहा है और कहाँ हम ये फालतू बातें लेकर बैठे। इसलिए पहले तो उनको ये ख्याल में आए कि धर्म अर्थात किसी एक व्यक्ति की, एक मूर्ख व्यक्ति की कल्पना नहीं है, और इसका आलम्बन करने वाले कितने बड़े बड़े व्रती त्यागी है जिन्होंने लोक में भी लौकिक रूप से भी विचार करे तो कितनी सारी डिग्रीज हासिल की थी और बाद में उसको तुच्छ जानकर पूरा जीवन अपना धर्म मार्ग में लगा रहे हैं। साम दाम
दंड भेद किसी भी रूप से हम उनको उनका मानस धर्म के लिए तैयार कराए और नहीं मानते हैं तो हमको थोड़ी उग्र स्टेप्स भी लेनी पड़ेगी। कोई भी कार्य होता था और उसमें गांधी जी को सहयोग नहीं मिलता था, गांधी जी झट से उपवास कर देते थे। उनको पूछा जाता था, बापूजी आप उपवास क्यों करते हो? उनका ये समाधान रहता था, अहिंसक जीव के पास करने के लिए दूसरा क्या चारा है? आखिर सामने वाले को किस प्रकार शिक्षा दी जाए? यह उपवास इतना गहरा असर करता था सामने वालों पर। देखिए, सामने वालों में सुधार करने के लिए भी सामने वालों में कुछ नहीं करना है, करना हम में ही है। समझाना बुझाना सब हो गया, दाम आदि के भी आश्वासन हो गए, अभी वे भी असफल ख्याल में आए, हमारे पास दूसरा चारा क्या है? साबरमती आश्रम को गांधी जी के एक पुत्र संभालते थे, कोषाध्यक्ष थे, सब फंड वगैरह संभालना ये उनकी जिम्मेदारी में होता था। किसी कारणवश उनके भाई को, गांधी जी के दूसरे पुत्र को, थोड़े से धन की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने बिना पूछे उधार के रूप में उसी फंड में से, सामाजिक फंड में से ही अपने भाई को पैसा दिया। ये सोचकर कि 7-8 दिन में तो वैसे ही फिर से आ जाने वाला है पैसा। गांधी जी को जैसे ही ये पता चला, सबसे पहले गांधी जी ने एक उपवास कर लिया। उपवास कर लिया, घर वाले सब मनाने आने लग गए। गांधी जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने असमाधान व्यक्त किया अपने पुत्र के दुष्कृत्य को लेकर। उनके पुत्र ने बहुत उनके हाथ पैर पड़े, बहुत विनय अनुनय की, माफ़ी मांगी उनकी पत्नी ने सबने मिलके, लेकिन सब कुछ असफल हो गया। और आखिर इस प्रकार ऐसे बहुत सारे उपवास करते थे वे। उसी घटना को थोड़ा समय आगे बढ़ाऊँ, उन्होंने तो दूसरे दिन अखबार में तक निकाल दिया था। उनके लड़का, उनका लड़का बहुत रोया उनके पास बैठकर रात भर कि बापूजी आपने उपवास क्यों किया, उपवास क्यों किया, ऐसी गलती मेरे से फिर से ना होगी। उन्होंने दूसरे दिन अखबार में निकाल दिया कि मेरे लड़के ने ऐसा किया है और मेरे लड़के को मैं इस पद से हटाना चाहता हूँ, दूसरा कोई योग्य हो हम विचार विमर्श करके उसको रख लेंगे, और 2-3 दिन में जो पैसा उसने अपने भाई को दिया है वह भी आ जाएगा। कहना यह है, हम हमारे घर वालों को कैसे मनाएं? विदेश में एक बार मीटिंग थी, आज से 25-30 साल पहले की बात है, 30-35 साल की बात होगी। इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी किसी विशेष मीटिंग में। वहाँ पर देश देशांतरों से सभी राजनेता आए थे, सब अपनी अपनी बात रख रहे थे। काफ़ी टाइम बीत गया था, भारत की आवाज़ को गौण किया जा रहा था। इस बार जब वे विदेश गए, उनको भी हमेशा जैसा वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था तो की ही थी, भोजन आदि की भी एक व्यवस्था थी। भोजन के नियत समय पर उनको आमंत्रित किया गया कि आपको भोजन करने के लिए आना है। आश्चर्य ये है, वे भोजन करने के लिए वहाँ पर नहीं गए। जितने भी देश देशांतरों के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आदि वहाँ पर आए थे, वे सभी वहाँ पर भोजन करने के लिए पहुँच गए थे।
इंदिरा गांधी नहीं पहुंची। यह एक बहुत बड़ा अपमान था वहां के राष्ट्राध्यक्ष का। सब जगह मीडिया ने इस बात को उछाला, अखबारों में भर भर के यही बात आई और बहुलता से समस्त भारत के पत्रकारों ने भी खूब उसकी निंदा की, यह कहकर कि इंदिरा गांधी ने यह अच्छा काम नहीं किया है, उनको यह भोजन नहीं ठुकराना चाहिए था। लेकिन एक लेखक ने, एक साहित्यिक ने एक बहुत सुंदर टिप्पणी संपादकीय पर लिख दी थी। वह भाव ये था, उनका ये कहना था आखिर उनके पास दूसरा चारा क्या है, और फिर इंदिरा गांधी ने भी यही स्पष्टीकरण दिया था, हमारी मांगों की पूर्ति जब ये लोग कर ही नहीं रहे हैं, कितना अन्याय कर रहे हैं, हम और कर क्या सकते हैं, हम तो भूखे रहेंगे, जो होगा सो होगा। आश्चर्य ये है चंद ही दिनों में हमारे मांगों की पूर्ति की गई थी। कहना ये है हम भी हमारे घर पर जितना बन सके उतना त्याग समर्पण आदि के माध्यम से आगे बढ़े और इस विधि को हम भी अपना सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं, जिसमें धर्म और अर्थ पुरुषार्थ ये साधन है और काम और मोक्ष पुरुषार्थ ये साध्य है। अर्थार्जन का उद्देश्य भोगों की प्राप्ति होता है और धर्म का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। जग में कला 72 तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका दूजा उसका उद्धार। यदि पूरा प्रयास पुरुषार्थ हो जीव का तो पूर्णतया धर्म मार्ग में ही लगना चाहिए। पुरुषार्थ की यदि कमी हो तो धर्म के साथ साथ अर्थार्जन आजीविका के पीछे कुछ कर सकता है। रोजाना खान पान कपड़ा पहनना ओढ़ना, कार्यक्रमों में आना जाना, नाते रिश्तेदारों में, उसके लिए थोड़ी सी आय के साधन की आवश्यकता होती है। उसके पीछे थोड़ा कमाने की नौबत आएगी तो भी कमा लेगा। धर्म हाँ, लेकिन धर्म मार्ग को निरंतर सुरक्षित रखना चाहिए। यदि धर्म का ज्ञान नहीं हो तो अर्थार्जन की विधि का भी ज्ञान नहीं होगा, उसके मर्यादा परिमाण का भी ज्ञान नहीं होगा और फलस्वरूप जीवन एकदम दुखदायी हलाहल जहर समान हो जाएगा और ऐसा लक्ष्य विहीन जीव भविष्य में भी केवल भोग को ही लक्ष्य बनाकर चलेगा, कैसे समाधि की प्राप्ति कर सकेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम के बिना जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की चेष्टा करता है वह गृहस्थ आश्रम में कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। शील्ड आर्मर कवच जिसको कहते हैं, कवच को पहनकर जो लड़ाई के लिए अखाड़े में युद्ध मैदान में उतरता है तलवार लेकर, वह बचने के भी सभी रास्ते समझता है और इतना तो होगा कि दूसरों को न मार सके तो कम से कम स्वयं को तो नहीं, स्वयं तो नहीं मरेगा, सुरक्षा कवच है ना उसके पास। और यदि सुरक्षा कवच न हो और गाफिलता से अखाड़े में उतरे तो कभी भी प्राणों की क्षति हो सकती है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभिक जीवन धर्म कार्यों में लगाना, इहलोक परलोक का स्वरूप समझना, पुण्य पाप धर्म का स्वरूप समझना, ये देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना, संसार मोक्ष का स्वरूप समझना, ये प्रधान कर्तव्य है।
इस ब्रह्मचर्य आश्रम को गौण करके जो सीधे ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं उनको तीन काल में सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और कवच के बिना युद्ध मैदान में उतरे हुए अज्ञानी सैनिक की भांति ये लोग भी प्रत्येक समय में गृहस्थावस्था में रहते हुए भी अपने पत्नी भी बच्चों में ये भोग के साधन सामग्री जुटाना, उनको खुश करना, उनके माध्यम से स्वयं खुश होना, इसी में ही वे अपने जीवन की इतिश्री मानते हैं। और फलस्वरूप जीवन इच्छाओं आकांक्षाओं से घिर जाता है, कोई प्रतिकूलता आती है तो उसका सामना करने की ताकत ऐसे जीव में कदापि नहीं होती है। और फिर प्रथमोनियोग भरा पड़ा है, कुणिक ने पिताजी को किस प्रकार सत्ता की प्राप्ति के लिए बंदी बनाया, औरंगजेब ने किस प्रकार शाहजहान को सत्ता के लिए बंदी बनाया, कंस ने किस प्रकार अपने पिता को बंदी बनाए रखा था, वह दिन दूर नहीं जब, अरे दूर क्यों, हम आज ही देखते हैं कितना जनरेशन गैप हो गया है। और कथा तो आपने पढ़ी ही होगी कि तीन पीढ़ियां घर में हैं और जो बीच की पीढ़ी है वो सबसे छोटी पीढ़ी को, अर्थात माँ बाप अपने बच्चों को रोज भेजते हैं दादा दादी के पास भोजन देने के लिए, सकोरे में भोजन देता रहता है वो, और सकोरे में भोजन देते हुए वह माँ बाप इतना भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि वे अपने माँ बाप को जाकर मिले पूछे, अपने बच्चे को ही रोजाना भेज रहे हैं और कह रहे जाओ बेटा तुम दादा दादी को भोजन देकर आओ। तो एक दिन उनके पिता ने देखा, पप्पू के पिता ने देखा कि यहाँ पर इतने सारे सकरे सकोरे काय के पड़े हैं, सकोरे समझते हो मिट्टी के कुंड जिसमें भोजन आदि पहले जमाने में हुआ करता था। तो ये उन्होंने देखा तो पप्पू को पूछा, पप्पू ये क्या है? तो पप्पू ने सहज ही कहा, पिताजी पिताजी कि आप भी जब वृद्ध होंगे मैं आपको भोजन किस में कराऊंगा, आप तो नए नए लाते हो, मैं तो इसी पुरानों में से काम चलाया करूंगा, इस हाथ दे इस हाथ ले, यह रीति नीति है। जिन बच्चों के सामने हम खूब मेहनत कर करके माँ बाप की हमारी सेवा करेंगे तो यही बच्चे आगे हमारी सेवा करेंगे, और आज हम हमारे माँ बाप को उपेक्षित रखते हैं, ये बच्चे सब देख रहे हैं वे हमारे किस प्रकार कदर कर सकेंगे, बहुत हो कुछ नौकरों के अधीन हमको कर देंगे उससे क्या सिद्धि होगी, हम धर्म आदि से तो दूर ही रहेंगे, हम छोटों को किस प्रकार संस्कारित करें, चर्चा यह चल रही है। आपको एक घटना भी आपने सुनी होगी कि एक 40 साल का आदमी अपने 65-70 साल वृद्ध पिता को अनाथाश्रम वृद्धाश्रम लेके जा रहा था, जाते जाते बीच में रास्ते पर पेड़ पड़ा, उसकी छाया में रुक गए दोनों, रुकते ही दोनों ने विश्राम करना युक्त समझा, जहाँ पर विश्राम करना युक्त समझा 40 वर्षीय बालक वो तो आराम करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जो 70 साल के उनके पिता थे वे वैसे ही बैठे थे और थोड़ी देर में बहुत रोने लग गए। रोते समय उनको जब पुत्र ने देखा तो पुत्र ने कहा कि पिताजी आप चिंता न करें, आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर आपको कोई कमी नहीं आएगी, इसका मैं ध्यान रखूँगा, वहाँ पर 20-25 लाख का फंड वैसे मैं देने वाला हूँ,
आपको खान पान की कोई समस्या नहीं आएगी। पिता रोते हुए ये कहने लग गए, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे वहाँ पर क्या भोगना पड़ेगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज से 30-40 साल पहले मैं भी मेरे पिताजी को इसी प्रकार वृद्धाश्रम में लेके जा रहा था, तब मैं इसी पेड़ के नीचे मैंने विश्राम किया था, तब मेरे पिताजी भी ऐसे ही रोए थे। मैं ये सोच रहा हूँ बेटा 30-40 साल के बाद मेरे प्यारे पुत्र लाडले की आपकी क्या हालत होगी, आपको भी ऐसा ही रखेगा वो? ओहो, मैंने अपने पिता से कैसा दुष्व्यवहार किया, कैसी दुष्प्रवृत्ति की, मैंने अच्छा नहीं किया। ये इसलिए हमें हमारे संतान के ऊपर यदि अमिट छाप छोड़नी है धर्म संस्कार की, तो जितने भी हमारे से बढ़कर बुजुर्ग घर में हैं, हम उनको पलट कर ना बोले, हम उनका आदर सम्मान बराबर करते रहे, यही एक कोई उपाय है। पहले जमाने में तो ये रीति नीति ही होती थी कि बाप दादा अपने बच्चों को ऐसा अमिट संस्कार देते थे और स्वयं भी इतने विरक्त चित्त हुआ करते थे कि प्रायः लोग जीवनांत के काल में दीक्षा ही लेते थे और फिर उनके पुत्रों को भी यही भाव आता था कि हम भी दीक्षा ले लेवे। ये आप लोगों ने जाना सुना होगा, जयसेन स्वामी नाम के एक दिगंबर आचार्य हुए हैं, आज से करीबन 700 वर्ष पूर्व उन्होंने तात्पर्य वृत्ति नाम की 3 टीकाएं लिखी है, समय सार के ऊपर टीका लिखी है, प्रवचन सार के ऊपर भी टीका लिखी है और पंचास्तिकाएं संग्रह के ऊपर भी टीका लिखी है। तीनों का भी नाम तात्पर्य वृत्ति ही है। प्रवचन सार की टीका के समापन में वे अंतिम प्रशस्ति लिखते समय उन्होंने वहाँ पर उल्लेख किया है कि उन्हीं के संग में उनके पिता भी रहते थे और उनके दादा भी रहते थे। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सब के सब दीक्षा ही लेते थे। देखिए मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के दिखाऊँ, यहाँ पर ग्रंथ है मेरे सामने, देखिए अंतिम प्रशस्ति जयसेन स्वामी की टीका में देखो अंत में क्या लिखते हैं। और तो और जयसेन स्वामी ये लिख रहे हैं कि ये जो टीका मैं लिख रहा हूँ प्रवचन सार की, वह भी इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने जो अभी संगस्त मेरे गुरु है उनका बहुत आग्रह है बारंबार मैं टीका लिखूँ, तो पिता भक्ति का लोप ना हो जाए इसलिए मैं टीका लिख रहा हूँ। इसका मतलब भाव तो नहीं हो रहा है लिखने का, लेकिन पिताजी आखिर क्या सोचेंगे, पिताजी अर्थात गृहस्थावस्था के। इससे हमने जाना कि उनके पिताजी भी उसी संघ में रहते थे। देखिए और दादाजी का कैसे जाना, हम उन्हीं के शब्दों में यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या कहते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से यह रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग लिप्त है, आच्छादित है, लुप्त है, उसे प्रकाशित करने में समर्थ कुमुद चंद्र या पद्म चंद्र मुनि को नमस्कार हो। इस मूल संग में भी परम तपस्वी श्री वीरसेन नामक आचार्य हुए, जो निर्ग्रंथ पद्धति के धारी जात रूपधर दिगंबर भी थे। ये दीदी ने जो टीका का अनुवाद किया है ये उसमें है, ये अपने रेगुलर प्रवचन सार में नहीं मिलेगी, ये पृष्ठ क्रमांक 412 पर मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए वीरसेन स्वामी को याद करने का क्या कारण हो सकता है, ये सेन परंपरा के थे, सेन परंपरा के दिग्गज आचार्य वीरसेन हुए हैं, इसलिए उनको यहाँ से याद किया गया है।
इस मूल संघ में भी परम तपस्वी श्री वीरसेन नामक आचार्य हुए हैं, जो निर्ग्रंथ पदवी के धारक दारी जात रूपधर दिगंबर भी थे। उनके शिष्य अनेक गुणों के धारी श्री सोमसेन आचार्य हुए हैं। ये जो जयसेन आचार्य है वे उनके शिष्य है। देखिए बात आ गई, ये जो जयसेन आचार्य है वे उनके शिष्य है। आगे आगे, ये तो गुरु की बात आई। सदा धर्म लीन प्रसिद्ध मालू नामक साधु हुए, हो सकता है उनकी आंखों के सामने ना हुआ अभी, वे भी दिवंगत हो चुके हो। उनके पुत्र महीपति नामक साधु हुए और उनसे यह चारुभट्ट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। स्वयं का नाम चारुभट्ट लिख रहे हैं वे, एक नया नाम ख्याल में आया। और उनके पिता का नाम महीपति, उनके पिता का नाम मालू, ये तीन पीढ़ियों को इन्होंने यहाँ पर रखा है। अंत, जो हमेशा सर्वज्ञ की पूजा तथा आचार्यों के चरणों की आराधना पूर्वक सेवा करता है, उस चारुभट्ट जयसेन आचार्य ने पिता की भक्ति के विलोप होने से, देखिए पिता की भक्ति का लोप होने से भयभीत हो इस प्रभृत नामक ग्रंथ की टीका की है। देखिए ये क्यों पढ़ के दिखाया भैया, ये इसलिए पढ़ के दिखाया क्योंकि पहले तो कैसी परंपरा होती थी, कैसा आगात संस्कार रहता था। क्योंकि जो माता पिता करते हैं बच्चों का अलग से कहने की आवश्यकता नहीं होती है, यह हमने यहाँ से बात देखी। अब कल हमने और एक विषय उठाया था कि जो घर पर रहकर भी अपनी संतान को संस्कार देने में असमर्थ है, हालांकि सफलता तो मिल सकती है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जंगली पशुओं को भी संस्कारित कर करके सर्कस में खिलाया जाता है। अरे यहाँ पर भी हम देखते हैं जो लंगूर है ना, उसको किस प्रकार संस्कारित कराया गया है, और बिल्कुल जैसा उसका मालिक कहता है वैसा वो रहता है। जंगली कुत्ते को भी, कुत्तों को भी जब संस्कारित किया जा सकता है तो इनको क्यों नहीं। लेकिन फिर भी कोई किसी कारणवशात हम घर पर संस्कार देने में असमर्थ हो, घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जिसमें घर पर निरंतर कलह क्लेश चलता हो और आए दिन समस्याएं आती हो, कोई पिता ने कर्जा उठाया हो और कर्जा मांगने वाले निरंतर आकर परेशान कर रहे हो, आदि आदि कोई भी समस्या हो। ऐसे भी मैंने जीव देखे हैं जिनके घर निरंतर आकर परेशान करते, इसलिए उनके घर वालों ने कि उसकी निर्विघ्न रूप से लौकिक और लोकोत्तर पढ़ाई बनी रहे, इसलिए उसने उन्होंने गुरुकुल में रखा अपनी संतान को, ये भी देखने में आता है। कुछ भी हो सकता है, घर में अनबन हो, माता पिता को बिल्कुल भी समय ना हो संतान को देखने के लिए, ऐसी परिस्थिति में हम उसे विचार कर सकते हैं कोई योग्य छात्रावास में रखे जहाँ पर 3-4 घंटे अच्छे धार्मिक अध्ययन हो और साथ साथ आजीविका के कारणभूत थोड़ी सी लौकिक शिक्षा हो और उठने बैठने के बोलचाल के अच्छे संस्कार उसको हो। हम थोड़ा प्रथमोनियोग खोल के देखें तो जगह जगह इसकी पुठ हमको दिखती है। राजा महाराजा के भी पुत्र पहले जमाने में हुआ करते थे, तो वे थोड़ी सी उनकी अवस्था बड़ी हो जाए कि वे दूध के बिना भी रह सकते हैं, ऐसे मान के चलिए आज के तारीख में 5-6-7-8 साल, इस हालत में ही वे उनको जंगल में रवाना कर देते थे और वे शादी के काल तक जंगल में ही रहते थे। प्रमाण ये है कि देशभूषण कुलभूषण जब लौट के घर पर आए थे, वे अपनी बहन तक को नहीं पहचान पाए थे। बहन को नहीं पहचान पाने का कारण यही था क्योंकि अभी उनका इतना पूरा जीवन जंगल में ही, गुरुकुल में ही, गुरुओं के
सानिध्य में शिक्षार्जन में बीता था और इतने काल उनको अपनी बहन हुई है अपने बाद और कितनी बड़ी हुई है इसकी भी होश नहीं थी। सो आकर उसके प्रति आकर्षित होने लग गए। कथा तो आप सबको पता होगी। और बाद में जैसे उनको ज्ञान कराया गया कि ये तो आपकी बहन है, वे झट से विरक्त हो गए और उन्होंने वहां से मुनि दीक्षा अंगीकार करी। पांडवों का भी हम देख सकते हैं कि उनका भी बराबर गुरुकुल में ही जंगल में ही अध्ययन हुआ था। गुरुकुल का अर्थ होता है गुरुकुल, कुल का अर्थ होता है समूह। समूह रूप से किसी गुरु के पास रहकर समस्त विद्याओं का अध्ययन किया जाता है। गुरुकुल का अर्थ ये भी कर सकते हैं कोई गुरुओं के समूह में के बीच में रहकर विद्यार्थियों का समूह वहां पर अध्ययन करता है। इसमें लाभ यह होता था राजा महाराजा के भी बड़े बड़े लड़के रहते थे और कोई साधारण के भी लड़के होते थे, सभी एक भेष में वहां पर बैठते थे सामान्य से लंगोट लपेट कर और सिर मुंडा कर, जिससे उनको उपयोग व्यग्र ना होवे। और उनका एक तिहाई काल या एक चौथाई काल हम कह सकते हैं जंगलों में ही बीतता था, जहाँ पर अहर्निश उनको विद्या दी जाती थी और शिक्षा के साथ साथ भिक्षा का भी ज्ञान उनको होता था। भिक्षा गोचरी करके अपने उदार निर्वाह करते थे अथवा स्वयं रसोई बनाकर गुरु जी के भी उदार निर्वाह का की पूर्ति वहाँ पर वे कर लेते थे, उनको भोजन कराते थे। ये सब ज्ञान उनको वहाँ पर रहते हो जाता था। सब वहाँ पर ऊंच नीच सभी स्तर के जीव क्षत्रिय जीव एक स्थान पर आकर रहते थे। उससे लाभ यह होता था किसी को अहम ना हो पाता था कि मैं अमुक का लड़का हूँ। सबको सभी काम करने पड़ते थे। और यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर यदि वो घर पर रहता तो स्वयं को राजकुमार मानकर आयासी में पूरा जीवन बीतता, घमंड मान कषाय में पूरा जीवन बीतता और फलस्वरूप किसी भी विद्या की प्राप्ति जितनी सहजता में विनय नम्रता से हो सकती है ऐसी कदापि न होती। इसलिए ये पुरानी पद्धतियाँ, ये प्राचीन पद्धतियाँ रही है। इसलिए मैंने कहा था हॉस्टल ये शब्द ही सदोष है। हॉस्टल में तो मात्र हम पढ़ने के लिए ही आए हैं ऐसा हमको लगता है, और पढ़ने में भी कुछ पुस्तकों की कुछ गाथाओं का रटन करना इतना ही हमने मान लिया है, बल्कि स्टडी बियॉन्ड द पेजेस ये हमने सुना समझा ही नहीं है। चार दीवारों के अतीत भी क्लासरूम हो सकती है यह हम समझते ही नहीं हैं। आज भी हम कुंभोज बाहुबली गुरुकुल में जाते हैं, वहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने कपड़े धोते हैं, अपने अपने इतनी सुंदर व्यवस्था है, वहाँ पर एक एक को जाकर देखना चाहिए। अरे यहाँ तक कि वहाँ पर 100 छात्रों में रसोईया भी एक ही रख रखा है उन्होंने। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये सब्जियों को बघार देना, बड़े बड़े बर्तनों में सब्जियाँ बनाना, ये सब काम छोटे छोटे 8वीं 9वीं 10वीं वाले बच्चे करते हैं। और तो और रोटियां नहीं मात्र रोटे, ज्वारी बाजरी के भी रोटे इसका भोजन बनता है 100-100 जनों का, और वे रोटे भी यही थापते हैं। देखो कितना ज्ञान इनको हो गया है। भोजन के पश्चात फिर एक लाइन में निकलते हैं, फिर वहाँ पर जो राख रखी रहती है उस राख से बर्तन मांजते हैं, धो धाकर अपने अपने स्थान पर रख देते हैं। इतनी डिसिप्लिन है वहाँ पर, कोई कर्मचारी नहीं लगा है वहाँ पर। सब कुएं में जाना, पानी भरना रसोई के लिए, 100 जनों की रसोई के लिए सब पूरे पानी की व्यवस्था, सब एक एक चीज सब वहाँ के विद्यार्थी करते हैं। गुरुकुल की पद्धति कुछ ऐसी ही हुआ करती थी, यह हमको जीवन जीना सिखाती रहती है।
और समान रूप से सबको ये करना पड़ता है। यूनिफॉर्म की जो पद्धति स्कूल में लागू हुई है, गांधी जी ने कराई है, यूनिफॉर्म मतलब समानता, जहाँ पर ऊंच नीच का कोई भेदभाव न रहे और हर प्रकार से समानता हो और कोई पक्षपात उसमें नहीं झलके, ये उसका प्रयोजन। तो गांधी जी ने ये कराया था और सभी एक प्रकार के भेष वाले, जिसमें यदि कोई सिविल ड्रेस रखा जाता तो तकलीफ ये होती, बड़े घर वाला कितना अच्छा ड्रेस पहन कर आता, चमचमाता, और साधारण घर वाला कैसे कपड़े पहन कर आता और उन निरंतर उसकी तरफ देखता रहता, उसको स्वयं को हीन भाव आता, इनको घमंड भाव आता। सबको एक सा यूनिफॉर्म, सबको एक सा ड्रेस, खाकी वर्दी चलती थी पहले, उसको प्रेस वेस करने की कोई बात ही नहीं रहती थी, सामान्य रूप से धो लिया, फटक कर सुखा लिया, पहनकर आ गए। तो ये पद्धतियाँ हुआ करती थी और भी हम अनेक अनेक आधार से इसको थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। जिनागम के भी आलोक में हम विचारे तो पांच प्रकार के ब्रह्मचारियों की चर्चा की गई है। उससे भी यह फलित होता है कि पहले जमाने में ये जीवन के प्रारंभिक क्षणों में ही अनिवार्य रूप से किस प्रकार ये धर्म का ज्ञान कराया जाता था, ये तुरंत हमको ख्याल में आता है। उसमें एक अवलंब ब्रह्मचारी नाम के ब्रह्मचारी दिए हैं, जो मूल में तो क्षुल्लक भेष अंगीकार करते हैं और मात्र एक लंगोट परिधान करके ये मुनि संघ में रहते हैं। काफी काल वहां पर रहकर ये उनके साथ रात दिन विद्याओं को ग्रहण करते रहते हैं, उपसर्ग परिषयों को सहन करने की ताकत पैदा करते रहते हैं और अधिकांश जीवन उनका इसी में जाता है। जो विचार करो ना, यदि ये वे भेषांगीकार न करते, सहनशीलता न रखते, मच्छर कीड़ा आदि से डरते, भूख प्यास आदि बाधा से आकुलित होते, तो निरंतर वे उनके साथ चलने में समर्थ न होते, रात दिन उनके साथ रहने में समर्थ न होते तो इतनी विद्या का अर्जन करते कहाँ से। दो क्लास अटेंड करके आना है तो पौन एक घंटे जंगल जाने लगेगा, वहाँ से लौटने में एक घंटा लगेगा, और कितना, दो घंटे कर पाएंगे। और उन्हीं के बीच में हम रात दिन उठते बैठते हो तो अहर्निश अध्ययन भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारी ताकत चाहिए, क्योंकि एक बार भोजन मिलेगा उनका, जहाँ पर आहार होगा वहीं पर हमारा भोजन हो सकता है, गोचरी भिक्षा पद्धति से। तो आए दिन अंतराय भी आ सकती है मुनिराज को, कोई भी समस्या हो सकती है। तो उपवास की भी आदत है इनको लग जाती थी, एकासन का भी अभ्यास इनका हो जाता था, और रात में भी शेर है ऐसे जंगली पशुओं के बीच में रहने का अभ्यास, व्यंतर पिशाच भूत आदि के कृत पीड़ाएं है, उपसर्ग है, उनकी बाधाओं को भी सहन करने का पुरुषार्थ इनमें डेवलप होता था। काफ़ी काल तक उनके सानिध्य में चरणारविंद में रहकर अध्ययन किया करते थे और फिर बाद में इन अवलंब ब्रह्मचारियों को फिर से इनको विवाह करने का भाव उत्पन्न होता था, तो वे फिर से अपने घर पर आकर फिर वे अपना जो गृहस्थ का भेष होता है उसको अंगीकार करके फिर वे गृहस्थावस्था में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेते थे। एक प्रकार के ब्रह्मचारी का उल्लेख आया है, गूढ़ ब्रह्मचारी। गूढ़ ब्रह्मचारी वे होते हैं जो बिल्कुल मुनिवत नग्न भेष को अंगीकार करते हैं, ये भी एक प्रकार से मुनि ही बन जाते हैं। संग में उठते बैठते हैं और अहर्निश उनके बीच में उठते बैठते हुए उन सरीके ही अभ्यस्त हो जाते हैं, हर प्रतिकूलताओं को
सहन करना, उसका सामना करना, और फिर बहुत काल व्यतीत होने के बाद घर वाले भी उनको बुलाने आए, चलो भैया अभी गृहस्थावस्था में चलो, अथवा उनको भी थोड़ा राग भाव उत्पन्न होने लग जाता तो ये फिर से गृहस्थ का भेष परिधान करके फिर गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर लेते थे। ये दूसरे ब्रह्मचारी हमने देखे, गूढ़ ब्रह्मचारी। एक तो अदीक्षा ब्रह्मचारी, जो किसी प्रकार का नियत भेष नहीं रखते थे, लेकिन बहुत दगज रहती थी तो अहर्निश सालों तक घर से दूर रहकर घर के ऐशो आराम भोगों से दूर रहकर मुनि संघ में रहते थे, वहाँ पर विद्यार्जन करते थे। और एक नियत काल के उपरांत यह भी फिर से घर पे आ जाते थे और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। इन्हें कहेंगे अदीक्षा ब्रह्मचारी, कोई नियत भेष नहीं। एक उपनयन ब्रह्मचारी के रूप में भी आता है। ये उपनय ब्रह्मचारी कौन है? जो कुछ यज्ञोपवीत आदि पहनकर, ये कुछ संस्कार आदि करके, ये विद्याभ्यास के लिए ये भी मुनि संघ में रहते थे और काल पाकर ये भी फिर से शादी आदि करनी हो फिर से घर पर आ जाते थे और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। नैष्टिक ब्रह्मचारी वे हैं जो एक बार ब्रह्मचर्य अंगीकार किया, आजीवन मुनियों के ही संग में रहते थे, हिम्मत हो पुरुषार्थ हो तो आगे भी बढ़ जाते थे, आजीवन में भी दीक्षित हो जाते थे और ये फिर से गृहस्थ आश्रम में नहीं आते थे। जो पांच प्रकार के ब्रह्मचारी हमने अभी देखे उसमें नैष्टिक ब्रह्मचारी विलक्षण है, क्योंकि चार ब्रह्मचारी तो फिर से गृहस्थ आश्रम में आकर शादी कर सकते हैं, लेकिन ये नैष्टिक ब्रह्मचारी है, ये आजीवन ब्रह्मचारी ही बने रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये पांच ब्रह्मचारियों में से किसी उद्देश्य से कोई आया हो और इस उद्देश्य मान के चले गुड़ ब्रह्मचारी हो, मुनि भेष अंगीकार करके रहता हो और बाद में ये प्रयोजन हो कि खूब अध्ययन करके फिर गृहस्थ अवस्था में चले जाएंगे, जरूरी नहीं हो जाए बाद में विरक्त हो जाए और यथार्थ मुनि के रूप में रत्नत्रय को अंगीकार करके फिर गृहस्थ आश्रम में आए ही ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात तो ये निश्चित है कि ये विद्यार्जन पहले हुआ करता था और ऐसे जीव जो वहाँ से पढ़ के आते थे फिर जो गाँव में नगर में जो जनता रहती थी उनको संबोधन आदि करने का काम ये करते थे, उनको विद्याभ्यास कराते थे, क्योंकि अधिकृत रूप से इन्होंने वहाँ पर रहकर पढ़ाई की है तो यही उसके हकदार है। ये कोई संभावना ख्याल में आती है, क्योंकि पहले ज़माने में जो मठ आदि रहते थे, आश्रम होते थे, या आश्रम में जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है, मुनि राष्ट्र ऐसा राग रखते नहीं, वे तो वन विचरु है और एक दिन तीन दिन पाँच दिन में से ज़्यादा रहना नहीं है, निरंतर विहार करने वाले हैं, वे एक जगह आश्रम में रहकर कैसे ज्ञान करा सकते हैं। तो ऐसे जीव जो चार प्रकार के ब्रह्मचारी हो, वो जो ज्ञान प्राप्त करके आए हो सकता है जीवन भर फिर अन्य जीवों को उपदेश देते हो। यह हमने एक प्रकरण देखा, इसमें एक बात फलित हुई कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है प्रारंभिक जीवन का, उसमें श्रृंगार आदि क्रियाओं से सदा उपेक्षित रहने का आदेश इन सबको है। ब्राह्मण शब्द के द्वारा हमेशा मैं कहता हूँ, एक तो ब्रह्मचारी और एक तो पढ़ने लिखने के अधिकारी, ब्राह्मण जो प्रारंभ हुआ था ना वर्ण, और ये अविनाभावी है, क्योंकि जो सास श्रृंगार में लगा रहेगा वो निश्चित तौर पर अपने पढ़ने आदि से चूक जाएगा, वो कुछ भी लौकिक उपलब्धि भी वहाँ पर नहीं कर सकेगा।
और एक प्रकरण देखने का भाव मुझे उत्पन्न हुआ है, और वो प्रकरण ये है कि पंचास्तिका संग्रह की टीका के समापन में षटकाल की चर्चा आई है। उसमें षटकाल में दीक्षा, शिक्षा, संस्कार सॉरी गण पोषण, आत्म संस्कार, संलेखना, उत्तमार्थ, ये छह काल बताए गए हैं। ये छह काल क्या है हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, एक जगह मैं प्रवचन करने गया था, तब मैं प्रवचन में बोला था मैंने कि जैन दर्शन की तो ये परिपाटी है कि पहले तत्व ज्ञान कराया जाता है, पश्चात उपसर्ग परिशह सहन करने की ताकत पैदा कराई जाती है, और पश्चात मुनि दीक्षा अंगीकार कराई जाती है। प्रवचन होने के उपरांत एक जन मुझे बोले कि आपके प्रवचन होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके प्रवचनों में थोड़ी सोनगढ़ी गंध है। मैंने कहा मतलब मैं नहीं समझा, तो बोले आपने जो तत्वज्ञान की बात पहले कही, मूल में ऐसा नहीं है, पहले मुनि दीक्षा होती है और बाद में फिर तत्वज्ञान होता है। यह बात मुझे बहुत अटपटी लगी थी, तब मुझे लगा था ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन स्यादवाद शैली से हम समझो तो कुछ भी विरोध हमको भाषित नहीं होना चाहिए। पहले जमाने में ऐसा भी होता था, पहले दीक्षा अंगीकार की जाती थी, और दीक्षा अंगीकार करके ही तभी तो शिक्षा संभव है भैया, यहाँ पर रहकर शिक्षा थोड़ी संभव है। देखिए, यहाँ पर हम बैठकर शिक्षा लेते हैं, रोजाना प्रवचन हॉल में तीन तीन टाइम स्वाध्याय करने आते हैं, ये तो आज की नई पद्धति डेवलप हमने करी है। पुराने जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, और उपदेश के मूल अधिकारी मुनियों को ही माना जाता था, और है भी वे ही। ये तो संकट के काल में हमने कुछ अपवाद मार्ग खड़ा कर दिया है। तो और अहर्निश जो उनके साथ रहेगा वही तो उनके साथ पढ़ सकेगा। दीक्षा काल में अंतरंग बहिरंग सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करके आत्माराधना के लक्ष्य से जो जिन दीक्षा ग्रहण की जाती थी उसे जाती है, उसे दीक्षा काल कहते हैं। ये आसन्न भव्य जीव ही को ये भाव उत्पन्न हो सकता है, और आश्रय भी रत्नत्रय के धारक मुनि राजों को ही आश्रय स्थान मानकर ये काम करता है। दीक्षा काल के बाद फिर जब वो दीक्षा लेता है, वहाँ पर रहकर फिर वो शिक्षा को अर्जित करता रहता है। शिक्षा के अर्जन में अध्यात्म के आगम के समस्त शास्त्रों का अध्ययन वो वहाँ पर गुरु चरणों में बैठकर कर लेता है, ये शिक्षा काल। उसके बाद हमें काफ़ी ज्ञान होने के बाद फिर ज्ञानदान का काम ये प्रारंभ करते हैं, गण पोषण काल। गण पोषण संघ को उपदेश देना, सीखा है अभी सिखाओ, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा अमनाय अनुप्रेक्षा उपदेश, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा अमनाय उपदेश। तो उपदेश ये सब कुछ ग्रहण करने के उपरांत ये उपदेश भी देने के अधिकारी हो जाते हैं और उपदेश देते हैं। ये गण पोषण काल के अंतर्गत आ जाएगा। गण उपदेश देते देते काफ़ी काल व्यतीत हो जाने के बाद संसार की थोड़ी सी
असारता को विचार करके संघ का त्याग कर देते हैं। आत्म संस्कार काल जिसमें स्वयं के रत्नत्रय को ही पुष्ट करने का बराबर ये प्रयास करते रहते हैं, आत्मा को निरंतर संस्कारित करते रहते हैं। फिर संलेखना काल, आत्मा को संस्कारित करने के काल में उत्तरोत्तर कषायों को कृश करना, विकारों का लेखन करना और क्षीण कषाय से युक्त बने रहना, ऐसे द्रव्य भाव संलेखना के धारक। द्रव्य संलेखना अर्थात उपचार से कहो तो काय को कृश करना, निश्चय की तरफ से देखो तो विकारों को कृश करना, इस संलेखना को प्राप्त होते हैं ये संलेखना काल। फिर अंतिम बताए उत्तमार्थ काल। उत्तमार्थ जीवन के अंतिम समय को उत्तमार्थ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्तम पदार्थ की प्राप्ति करने का प्रयास होता है। उत्तम पदार्थ अर्थात वह मोक्ष भी हो सकता है, जो योग्य जीव हो वो मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयास करे, और जिनके बस की नहीं हो वे चारों आहारों का बराबर त्याग करके एक अपने आत्म स्वभाव में ही गुप्त रहने का प्रयास करे, यह उत्तमार्थ काल। उत्तमार्थ यह शब्द वहाँ पर भी आपको मिल सकता है, जो प्रतिक्रमण के 7 प्रकार के भेद बताए गए हैं, दैवसिक, रात्रिक, उभय, पाक्षिक, मासिक, सांवत्सरिक, एक औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण है जिसमें जीवन के अंत में भी फिर से एक बार जो भी हमसे गलतियां हुई है उसका भी एक बार उससे भी उसके शुद्धिकरण का जो उपाय है उसे औत्तमार्थिक उत्तमार्थ काल ऐसे कहते हैं। ये 6 प्रकार के काल की भी चर्चा अलग से अपने जनागम में आई है। इससे भी यही बात फलित होती है कि पुराने जमाने में ऐसा कुछ होता होगा, अब आज भी होता होगा, आज भी हो रहा है। आई एम वेरी सॉरी, पुराने की क्यों बात करें, आज भी होता है, लेकिन दरअसल आज हमारे सामने परंपरा लुप्त है, होगी कहीं दूर अगम्य क्षेत्र में, वहाँ पर जरूर ये प्रचलन में आता होगा। कहने की बात इतनी ही है कि जिनके बस की नहीं हो एक घर पर संस्कार दे सके, वे अपनी संतान को निर्मोही बनकर वहाँ पर रवाना करें और कोई योग्य आश्रम में रखकर वहाँ पर वे अध्ययन करें, उनको बारंबार डिस्टर्ब नहीं किया जाए, खूब अध्ययन करें वे वहाँ पर, और थोड़े से मोह के पीछे उनको घर पर ना रखिए, जो अभी कहते हैं हमें आपके बिना मन नहीं लगता। यही बच्चे कल छोटे छोटे से अपने वैश्विक तृष्णा के पीछे, अपनी बीवी बच्चों के पीछे माँ बाप को एक सेकंड में छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गलती हमारी ही है, बालपने में ज्ञान नहीं दिया और तरुण समय में तरुणी रत रहने का ही उपदेश दिया, तो समापन के काल में वह भी समाधि कैसे कर पाएगा और फिर हमें भी समाधि में किस प्रकार वो प्रेरणा कर सकेगा, किस प्रकार सहायता कर सकेगा, नहीं ही कर सकेगा। इसलिए हमें उसे संस्कार हेतु सुसज्ज बनाना और प्रथमान्यों की उन घटनाओं को निरंतर स्मरण में रखना। जो सुकुमाल दीक्षा लेके जाने को उद्यत हुआ, उसकी माँ घर की देहरी पर खड़े रहकर 3 दिन तक रोती रही, शोक मग्न हुई, बच्चे के वियोग में विभल, मेरा बेटा मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी, और थोड़ी पर्याय बदली, मर के श्यालिनी हुई और श्यालिनी होकर देखिए अभी नोच नोच के
नोच नोच के उसे खा रही है, नोच नोच के। ये थोड़ा सा राग अपना कितना महंगा पड़ता है कि आज जो हम कहते हैं हमें इसके बिना हम नहीं रह सकते, उसके बिना नहीं रह सकते, और कल परिस्थितियाँ इतनी बदल जाती है, बिगड़ जाती है, एक दूसरों को मुंह देखना भी नहीं सुहाता, फूटी आग भी नहीं देखना चाहते। तो गांधारी ने थोड़े से मोह के पीछे अपने दुर्योधन आदि 100 पुत्रों को, कौरवों को दुष्कर्म करने के लिए नहीं रोका। उसका फल ये हुआ कि एक दिन उनको कैसी अपमानित मौत से मरना पड़ा, ये सब आप भली भांति जानते हो। समय पर ही वह सचेत होकर अपने पुत्रों को समझाती कि आपका कार्य ठीक नहीं है, तो ये ऐसी नौबत ना आती। फिर पछताने से क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या होगा, फिर रोने से क्या होगा, हाथ मलते रह जाओगे। आज हम जितना संस्कार उनको दे सकते हैं, हम स्वयं भी जितने संस्कारित हो सकते हैं, उतना हमको होने का प्रयास करना चाहिए। शुद्ध खान पान घर पर हो, वांछाएं कामना कांक्षा विशेष न हो, हम कोई दूसरी मांग बच्चों के सामने न रखें कि हमें डॉक्टर बन के दिखाओ, इंजीनियर बन के दिखाओ। वो उपदेश देने के लिए सर्वत्र लोग यहाँ वहाँ पड़े हैं, हम उनको लोकोत्तर विद्या देने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। ओम नमः।